भैया ही बोलेंगे, भैया ही एक बहन को गिफ्ट दिए हैं सीएम भैया। तो भैया मतलब हेमंत सोरेन को भैया बोल रही हैं, तो वो एक रक्षाबंधन का गिफ्ट हमें दिए। थैंक यू भैया, आप रक्षाबंधन का गिफ्ट जो दिए हैं हमें, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी थैंक यू बोलते हैं, इतना मेरे लिए मेहनत करके ट्यूट किए, हाँ पूजा पाठ करके आए थे, नाश्ता हर बड़ी में नहीं किया। अब दुख की घड़ी हट गई, हमको अच्छा लग रहा है। अब जो भी परेशानी होगा, नहीं मतलब जो भी परेशानी था वो नहीं आएगी। सोरेन ने जिन 12 खिलाड़ियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा, उसमें सरिता तिर्की का नाम भी शामिल है, और सरिता तिर्की के हाथ में आप देख सकते हैं कि इस वक्त नियुक्ति पत्र है। सरिता तिर्की कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है, लॉन बॉल की प्लेयर हैं, और द फॉलो अप पर आप कई बार देख चुके होंगे सरिता के आंसू, सरिता के मुस्कान, और आखिरकार आज सरिता के हाथ में ये नियुक्ति पत्र मिल गया। सरिता आप कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है हमको, इतना खुशी मिल रहा है कि अपने आप को रो भी नहीं पा रहे, कहाँ जाए बोलने के लिए कि हमको मिल गया नियुक्ति पत्र। सर को भी थैंक यू बोलते हैं, और न्यूज वालों को, द फॉलो को भी थैंक यू बोलते हैं, इतना मेरे लिए मेहनत करके ट्यूट किए और आगे बढ़ाए मेरा जो क्या बोले, इंतजार करना, बहुत ज़्यादा इंतजार किए, मतलब हौसला टूट गया था, फिर हौसला मिला कुछ दिन के बाद, तो अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि लॉकडाउन के दौरान सरिता तिर्की का परिवार इतनी तंगहाली में था कि इन्हें दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ रहा था, और दिहाड़ी मजदूरी करके ये परिवार चला रही थी। मीडिया में ये जब खबर आई, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया था, और उसके बाद इन्होंने जो है फॉर्म भी जमा किया था सीधी नियुक्ति के लिए, और आज फाइनली इनके हाथ में ये नियुक्ति पत्र है। अंदर क्या है देखिए, ये नियुक्ति पत्र है, नियुक्ति प्रमाण पत्र नियम 674 ख के तहत सरिता तिर्की पिता छोटू तिर्की झारखंड को अधिनियम संख्या 5/1861 के अधीन झारखंड राज्य में आरक्षी के पद पर नियुक्त किया जाता है, और उन्हें आरक्षी अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। आज का दिन और प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी सेवक आचार नियमावली ये देखकर पढ़ लें। तो अब क्या बोला गया, कहां पर पोस्टिंग? पुलिस का नौकरी में नौकरी दिए हैं, पुलिस में, हाँ पुलिस लाइन में, ये कांके रूट में दिया जाएगा। फुटबॉल खेल रही थी, नेशनल इंटरनेशनल तक भी खेल चुकी हैं, तो आगे ये खेल जारी रहे? हाँ हम तो चाहेंगे कि सर छुट्टी दे बीच में, ताकि हम लोग एक टाइम भी हम लोग को छुट्टी मिले प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको अभी नेशनल गेम भी होने वाला है, अभी तो पता नहीं है डेट उट तो आया कि नहीं आया, वो तो नहीं पता सर से, लेकिन हम लोग जो वर्ल्ड कप के लिए जाना था उसके लिए हम चाह रहे कि मेहनत करें, और मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा समय मिले हम लोग को, तो अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करें। अभी क्या क्या चीज़ का दिक्कत हो रहा था, अब लग रहा है कि नौकरी लग जाने के बाद अब उन तमाम चीज़ों की दिक्कत दूर हो जाए? जो परेशानी हमको झेलना पड़ा वो अभी नौकरी हमको सीएम सर दिए, पुलिस ही का दिए, लेकिन अब दुख की घड़ी हट गई, हमको अच्छा लग रहा है। अब जो भी परेशानी होगा, नहीं मतलब जो भी परेशानी था वो नहीं आएगी। हेलो, ये है शॉर्ट्स, आप भी आ जाओ ये के क्रिकेट एकेडमी में, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी। अभी मिले भी आपसे, क्या कुछ बातें? नहीं, वो हस्बैंड के बारे पूछ रहे थे, और कहाँ पे घर है आपका, मायके ससुराल कहाँ पे है वो पूछ रहे थे, तो हमने बता दिया। ये सरिता के हस्बैंड भी आए हैं, और द फॉलो अप ने आपको दिखाया था कि दोनों की प्रेम कहानी, कितना दोनों के बीच प्रेम है, बात करते करते दोनों जो है रोने भी लगे थे, अब खुश हैं ना? हाँ बहुत खुश हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, और हमारे दुख की घड़ी में आप लोग भी बहुत साथ दिए, और हमारे दुख को ट्वीट करके जो सरकार के सामने लाए, और इससे
हेमंत सर ने संज्ञान में लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हो रही सर कि आज इतने दिन के बाद नियुक्ति पत्र मिला, और जो बीते दिन में जो मुसीबतें आई अब वो नहीं होगी। और तो आप सरिता के साथ रहते थे तो कई बार वो टूट जाती थी, जब हम लोग बात करते थे तो रोती थी, मतलब उम्मीद लग रहा था कि टूट जाए। हाँ, थोड़ी बहुत हम लोग टूट चुके थे, लेकिन बाद में जब सर ने बोले, हेमंत सर ने, कि थोड़ी देर होगी लेकिन होगी नियुक्ति, तो थोड़ा अच्छा लगा हम लोग को। और आज वो दिन आया, खुशी का दिन, और नियुक्ति पत्र मिला, बहुत खुश हैं हम सर। नौकरी लगते के साथ मिनरल वाटर नहीं ना, वहाँ पे था तो मिल ले लिए। आज घर से पूजा पाठ करके आए थे, खा पी के आए? हाँ, पूजा पाठ करके आए थे, नाश्ता हर बड़ी में नहीं किया। के जाना है कि ससुराल जाना है? अभी तो मायके नहीं जाएंगे, रक्षाबंधन में जाएंगे। और एक तरफ से भैया ही बोलेंगे, भैया ही एक बहन को गिफ्ट दिए हैं सीएम भैया। तो भैया मतलब हेमंत सोरेन को भैया बोल रही हैं, तो वो एक रक्षाबंधन का गिफ्ट हमें दिए। कहना चाहेंगे? थैंक यू भैया, आप रक्षाबंधन का गिफ्ट जो दिए हैं हमें, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। कभी और मुख्यमंत्री जी से बात करने का मौका? नहीं, पहली बार, फर्स्ट बार है, इसलिए तो एक्साइटेड हो गए कि फोटो हमको खिंचाना ही है सिंगल में ऐसे कर टाइम में, तो इसलिए आप लोग को बोले थे। तो थैंक यू आप लोग को कि उनके साथ फोटो खींचने का हमको, लेकिन टूट गया था नहीं? बहुत ज़्यादा टूट गया था। तो आप रोई होंगी, बताइए। बहुत रोए, अब रोने के दिन खत्म हुई, अब खुशी का दिन आया। खुशी नहीं तो हो गया, बहुत बहुत दुख झेले, भगवान लेट ही सही दिए, सीएम सर लेट ही सही दिए, लेकिन बहुत सारा खुशी दिए, उसके लिए थैंक यू भी छोटा शब्द हो जा रहा है उनके आगे, तो इसलिए क्या करेंगे घर में, क्या करेंगे, मीठा खिलाएंगे मालों को, पैर छुएंगे मालों को, आशीर्वाद लेंगे। और आप लोग भी आइए, एकदम घर जाना है। और उसके बाद कब से ज्वाइनिंग? तो सोच आज ही से जाते, ज्वाइनिंग करने के लिए आज ही जाते, लेकिन अभी तो समय भी हो गया, तो कल जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। ये सरिता तिर्की थी जो लॉन बॉल की प्लेयर हैं, और लॉकडाउन के दौरान तंगहाली में इनका पूरा परिवार जी रहा था, और उससे उबरने के लिए इन्हें दिहाड़ी मजदूरी का भी काम करना पड़ा था। अब जब ये नियुक्ति पत्र इनके हाथ में आ गया है, तब ये बता रही हैं कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, और उससे पहले इनके भाई यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें गिफ्ट दिया है, एक तोहफा दिया है, नौकरी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलोअप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। द फॉलोअप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in